जैसे कुछ लोग कहते भी है कि सर मेरा तो गूगल पिंग हो रहा है। पिंग क्या है? एक टूल है। पिंग क्या है? एक टूल है जिससे हम चेक करते हैं कि वे सामने वाला हमारे साथ कनेक्टेड है नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, एक पैकेट जाता है। ठीक है, पहला पैकेट जाता है, अगर पैकेट सब कुछ सही है, राउटर्स के बीच में से क्रॉस होता है, सर्वर पर जाता है और सर्वर भी आपको वापस रिप्लाई कर दे वही पैकेट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट विंडो में कितने जाते हैं? 1 2 3 4, चार पैकेट जाते हैं और उनके चार रिप्लाई आते हैं और इसीलिए आपको क्या हो जाता है, पिंग सक्सेसफुल। ठीक है, तो अभी आप समझ रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। आप पिंग जो टूल था जिससे हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हमने ओएसआई मॉडल में ये जानना है कि आपके कंप्यूटर से कैसे पैकेट को हम गूगल टाइप कर रहे हैं, तो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या स्टेप्स उठा रहा है आपका कंप्यूटर या मशीन, जो ओएसआई मॉडल हम पढ़ रहे हैं, ये एक रेफरेंस मॉडल है। रेफरेंस मॉडल का मतलब ये है कि ये रियल टाइम में ये यूज नहीं है। मतलब अगर आज की डेट में प्रैक्टिकली अगर दिमाग लगाएं, जब मेरा कंप्यूटर इंटरनेट से होते हुए जब google.com के सर्वर पे जा रहा है ना, तो वो ओएसआई मॉडल नहीं यूज कर रहा। वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? TCP/IP। पूरा इंटरनेट इज TCP/IP। ठीक है, बट TCP/IP के अंदर कितनी लेयर्स आती हैं? चार। देखिए, ओएसआई मॉडल और टीसीपी में क्या फर्क रहता है, मैं दिखाता हूँ। तो नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो इजिली समझ आए आपको। तो देखिए, ओएसआई मॉडल के अंदर अगर हम देखें तो ये लेयर्स हैं। तो देखिए, ओएसआई मॉडल है, फिर TCP/IP ओरिजिनल है, फिर TCP/IP अपडेटेड है। तो आप ओरिजिनल वाले को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो कई लोगों से सुना होगा आपने TCP/IP में चार लेयर होती, बट आज की डेट में हम TCP/IP को डिवाइड कर देते हैं पांच लेयर्स में। सभी ये जो भी मॉडल्स हैं, ये क्या है? रूल्स हैं, समझो। TCP/IP क्या? एक प्रोटोकॉल है, बोलते हैं ना, TCP के एक प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे TCP/IP का एक रूल क्या है? आपको आईपी एड्रेस होना चाहिए तभी आप गूगल पे आ सकते हैं, आपके पास मैक एड्रेस होना चाहिए, ये सारे क्या है? रूल्स हैं। तो ओएसआई मॉडल के हिसाब से हमारी सेवन लेयर्स हैं। फर्स्ट इज, नीचे से स्टार्ट होता है, फिजिकल लेयर। सेकेंड इज डेटा लिंक लेयर। थर्ड लेयर इज नेटवर्क लेयर। फोर्थ लेयर इज ट्रांसपोर्ट। तो आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट तो सब में एक जैसी है। सेशन लेयर होती है फिफ्थ लेयर, प्रेजेंटेशन होती है सिक्स्थ, और ये होती है सेवेंथ एप्लीकेशन। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना, अगर आपको याद करना है तो आप याद कर लो PDNTSPA, PDNTSPA, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको याद करना है ये याद कर सकते हो, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। अब तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो ये कर लो, नहीं तो ये सिंपल है PDNTSPA। तो इसलिए ध्यान रहे इस चीज का। TCP/IP आप रियल वर्ल्ड में देखेंगे, अभी हम टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं और टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हम कौन सा मॉडल पढ़ेंगे? ओएसआई मॉडल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।